जय सियाराम दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने, उनकी आराधना करने के लिए विशिष्ट तरीकों का वर्णन उपलब्ध है। कुछ ऐसी सामग्रियां और विधियां होती हैं जो विशिष्ट आराध्य देव को बहुत पसंद होती हैं। उनकी पूजा में उन सामग्रियों की उपलब्धता मन वांछित फल प्रदान करती है, लेकिन कुछ ऐसी सामग्री भी होती है जिनका प्रयोग करना उल्टा परिणाम प्रदान कर सकता है। जहाँ कुछ चीज़ें आराध्य देवी देवताओं को पसंद आती हैं, वहीं कुछ उन्हें कतई नापसंद होती हैं। ऐसे में अगर उन्हें वे अर्पित की जाए या उनकी पूजा में उन सामग्रियों का प्रयोग किया जाए तो यह समस्या का कारण बन सकता है। दोस्तों, भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है और विनाशक भी, जहाँ वे अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं तो क्रोध के कारण बहुत जल्दी रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। भगवान शिव को भांग धतूरे का भोग लगता है, चढ़ाया जाता है, ये उन्हें बहुत पसंद है। पर कुछ ऐसी सामग्रियाँ भी हैं जिनका उपयोग शिव आराधना के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को कुछ चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। उन चीज़ों में से 6 चीज़ें आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, इसके अतिरिक्त हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कौन सी है वे चीज़ें जो भगवान शिव को बिल्कुल नापसंद हैं और उनकी पूजा में कभी भी इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए? नंबर 1, केतकी का फूल। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया और कहा कि शिवलिंग पर कभी भी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के कारण बाद में शिव को केतकी के फूल ने अर्पित नहीं किया जाता है और उसे शिव आराधना में वर्जित माना जाता है। वैसे भी दोस्तों, कुछ पुराणों और शास्त्रों के अनुसार कमल और कनेर का फूल ही महादेव को चढ़ाना चाहिए, इसके अतिरिक्त किसी भी पुष्प को महादेव पर नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन केतकी को बिल्कुल ही वर्जित माना गया है। अन्य पुष्प को आप चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केतकी का उपयोग आप शिव आराधना में बिल्कुल ना करें। नंबर 2, तुलसी की पत्ती। यूँ तो तुलसी की पत्तियाँ पूजा में काम आती हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, इसलिए भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय रूप से तुलसी ने वंचित कर दिया है। दोस्तों, तुलसी बहुत ही सती सावित्री, बहुत ही साध्वी थी और पतिव्रता थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव को अपनी पूजा से वंचित कर दिया। केवल नारायण की पूजा में तुलसी का उपयोग करना चाहिए, शिव की पूजा में तुलसी का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको परिणाम विपरीत प्राप्त होंगे। नंबर 3, दोस्तों, शंख से जल। दैत्य शंखचूड के अत्याचारों से देवता जब परेशान थे, भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका वध किया था। दोस्तों, उसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया, उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिवजी ने शंखचूड़ का वध किया, इसलिए कभी भी शंख से शिवजी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 4, कुमकुम यानी कि सिंदूर। दोस्तों, सिंदूर विवाहित स्त्रियों का गहना माना गया है। स्त्रियां अपने पति की लंबी और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं और भगवान को अर्पित भी करती हैं, लेकिन शिव तो विनाशक हैं। यही वजह है कि सिंदूर से भगवान शिव की सेवा नहीं की जाती है और भूलकर भी महादेव को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 5, नारियल का पानी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आप जब भी किसी देवी या देवता के यहाँ जाते हैं तो भेंट स्वरूप नारियल लेकर जाते हैं। उस नारियल को वहाँ मूरते हैं, यानी कि तोड़ते हैं और उस जल से उस देवी या देवता का अभिषेक करते हैं, लेकिन शिव आराधना में ये वर्जित है। शिवलिंग पर आप नारियल अर्पित कर सकते हैं, साबुत नारियल आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इससे अभिषेक नहीं करना चाहिए। देवताओं को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग पर अभिषेक जिन पदार्थों से होता है उन्हें ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए शिवलिंग पर कभी भी नारियल का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 6, हल्दी। दोस्तों, शिवजी के अतिरिक्त लगभग सभी देवी देवताओं का पूजन
हल्दी गंध और औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियोचित वस्तु है, स्त्रियोचित यानी कि स्त्रियों से संबंधित। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप शिव आराधना करें तो शिव के प्रसन्न करने के लिए आप जो करें वो तो करें ही, लेकिन शिव आपसे नाराज ना हो इसके लिए आप इन 6 चीज़ों का त्याग कर दीजिए। शिव आराधना में कभी भी इनका उपयोग ना करें, इससे आपको शिव प्रसन्न होंगे और भगवान भोलेनाथ तो मनोवांछित इच्छा पूरी करने वाले हैं, वे आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में एक बार सच्चे मन से हर हर महादेव, जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद।